नाटक के 107वें नाटक सूरज का सातवां घोड़ा में आपका स्वागत है। मेटाफिक्शन कथा शिल्प का एक ऐसा रूप जिसमें दर्शकों को हमेशा ये बताया जाता है कि जो कहानी वो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं काल्पनिक है। The audience is always told that the story that they are experiencing is a work of fiction। भारत में कुछ 75 साल पहले पद्मश्री डॉक्टर धर्मवीर भारती ने शायद दुनिया की सबसे पहली पूर्ण मेटाफिक्शन नॉवल रची थी, सूरज का सातवां घोड़ा। इस कहानी में, इस नॉवल में उन्होंने ना सिर्फ मेटाफिक्शन के आठों रूपों को दर्शाया था, मगर इसमें आपको पंचतंत्र और हितोपदेश की झलक भी नजर आती है। अगले 130 मिनट में हम आपको डॉक्टर धर्मवीर भारती की इस दुनिया में ले चलते हैं। डॉक्टर भारती की यह कहानी प्रेम कहानी है, इसमें मिलना है, बिछड़ना है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है कि इसे पहली बार अनुभव करने के बाद ये कहानी आपके जहन में काफी समय तक रहती है। अंधेरा छा गया, ये कौन आ गया, भविष्य की चमक को राह खा गया। विषम सा काल है, हर पग में जाल है, रुकी थकी हुई सूरज की चाल है। सात में से छह घोड़े निढाल हैं, एक ही तुरंग के खुर है नाल है। वो घोड़ा सातवा लाए नहीं हवा, भविष्य खींचता सूरज का सातवा, उम्मीद खींचता सूरज का सातवा। तू क्यों उदास है, क्यों मन में त्रास है, ग्रहण है ये क्षणिक सूरज की आस है। वो सातवा तुरंग यही आस पास है, तू आस ओढ़ के अपना सवार चल, सूरज के साथ दे पे हो सवार चल, सूरज के साथ रे पे हो सवार चल।
and gentlemen, for spending your Saturday evening with us. This was the first of our 9 shows. We have 8 more shows. If you like the show, please inform your friends about it. If you didn't like it, inform them anyway. We are a community theater. We come as volunteers. I'll let you into a secret. 21 years ago, in February of 2003, I was in one of these seats watching our first edition of Suraj Ka Saath Ka Ghoda. And so if you want to be a part of this amazing team, please join us, email us at natak.org and join our mailing list, and we have plenty of opportunities. In our 2023 and 24 season, we have 2 more productions, Gaslight, which is going to be staged in April, and Pehli Pehli Maruti, which is going to be staged in June. Again, ladies and gentlemen, thank you very much. Happy Saturday, safe driving. Thank you.